पीएससी की बैठक हो रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां, कैंपेन सहित अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पायलट सहित तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी हिंदुत्व के लिए कोई काम किया हो तो बताएं। चाहे गाय को लेकर के वो राजनीति करते हैं, मंदिरों को, धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मंदिरों के लिए किया गया है, मैं कल ही अभी कुशलगढ़ में 5 करोड़ के काम का श्री रामचंद्र मंदिर में और एक मठ मंगलेश्वर शिव जी के मंदिर के 2.5 करोड़ के शिलान्यास करके मैं वहां से आ रही हूं। और आपने देखा कि पैसा हमने 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और वहां कुछ बीजेपी वाले आकर के कह रहे हैं हम राम मंदिर से ला रहे हैं, रामचंद्र जी का वो मंदिर है बहुत पुराना ऐतिहासिक है, हम ईंट रखेंगे, हम लाए पैसा। अरे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्वीकृति दी है 2.5 करोड़ की मंदिर के जीर्णोद्वार की। इतने सालों से वहाँ पर बीजेपी के रहे विधायक कभी 1 रुपया तो उसमें लगा देते तो उस मंदिर की आज ही हो गए। बाहर चले जाओ आप। जो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर बीजेपी की सरकार बोलना नहीं चाहती, पूरा देश तो देख रहा था कि आज तो पता नहीं मणिपुर पे क्या आ जाएगा। और देश को ये उम्मीद थी कि मणिपुर में आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसको लेकर पूरा प्लान सामने आएगा। कल भाईगरमन राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग लोकसभा छोड़कर अपोजिशन के लोग इसलिए चले गए कि उम्मीद थी कि मणिपुर पे जवाब आएगा, मणिपुर पे जवाब नहीं आया। तो मणिपुर इस देश का हिस्सा है, भारत की शान है, वहाँ पर महिलाओं के साथ गैंग रेप हो जाए, अन्याय हो जाए, और फिर हम सिर्फ पूरे देश के ऊपर जिस तरह के बयान दें और कांग्रेस के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, खुलकर ये बात करें तो आज दुनिया जानती है पेट्रोल डीजल में लूट मची हुई है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधा हमसे जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस की अहम बैठक है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बनाई जाएंगी और इस बैठक में काफी बड़े नेता शामिल हुए हैं, तो कौन कौन से नेता इसमें शामिल हुए हैं आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस की पीएससी की बैठक है वो लगभग 1 घंटे से जारी है यहाँ पर, क्योंकि जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी में मुख्यमंत्री समेत 35 नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हैं, और इसके अलावा इसमें 16 जो मंत्री हैं वो शामिल हैं, विधायक शामिल हैं, और इसके अलावा दिल्ली से जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो भी इस बैठक में पर्यवेक्षक इसमें शामिल हैं। क्योंकि अब जो राजस्थान की गवर्नमेंट जिस तरह से एक नया सिनेरियो बदलना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि फिर से उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में काबिज हो, और क्योंकि उदयपुर में जो चिंतन शिविर 2022 में हुआ था उस दौरान इस मंथन के दौरान ही तय किया गया था कि एक पीएससी का गठन किया जाएगा, पॉलिटिकली जो अफेयर्स कमेटी है उसका गठन किया जाएगा, जो कि चुनाव संबंधी जो तमाम जो कार्य होंगे, चुनाव में किस किन किन नेताओं को टिकट दिया जाना है, किन नेताओं की नियुक्ति कहाँ की जानी है, कौन से स्टार प्रचारक राजस्थान आएंगे, किन किन लोगों को तवज्जो दी जानी है, कहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या कैंपेन चलाए जाएंगे, केंद्र सरकार को घेरने के लिए क्या तैयारियां की जाएगी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये जो पीएससी की बैठक है वो मेरे पीछे ही जहां पर ये वो रूम है उसमें जो बैठक है वो जारी है। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो इस वो रूम में अभी फिलहाल, क्योंकि जो बैठक है उसका दौर जारी है और इस बैठक में ही अब आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि आगामी दिनों में जो कांग्रेस है वो राजस्थान में किस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरह से लगातार नई नई घोषणाओं की जा रही है और उन घोषणाओं के साथ ही लोगों को लाभ भी उन घोषणाओं का मिल रहा है और लाभान्वित जो कार्यक्रम है उनसे मुख्यमंत्री लगातार संवाद भी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी कह चुके हैं, प्रभारी भी कह चुके हैं कि राजस्थान की सरकार ने जितने जो काम किए हैं, इतनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के आधार पर ही वो फिर से सत्ता में काबिज होने वाली है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन फिलहाल आगामी चुनाव की जो रणनीति है, क्योंकि यहाँ अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था कि जो खुद प्रत्याशी उतारेंगे वो चुनाव से पहले ही उनके नाम की घोषणा बहुत पहले ही कर दी जाएगी, 2 महीने पहले उनकी घोषणा होगी ताकि पार्टी को उसका माइलेज मिल सके। दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस राजस्थान में 200 विधान सीटों में से
मिशन 156 लेके आगे बढ़ रही है। और आज का जो ये मंथन है, किस तरह से ये जो मिशन 156 है, 156 मिशन, इस मिशन को किस तरह से कांग्रेस पूरा कर पाती है, इसके लिए पूरी मंत्रणा है। किस तरह से आगामी दिनों में जो रणनीति के तहत क्या क्या आयोजन होंगे, किस तरह के जो मंत्री और विधायकों को टास्क दी जाएगी, और इसके अलावा जो संगठन है, पूरा संगठन मिलकर किस तरह से काम कर सकता है, सरकार की योजनाओं को किस तरह से आगे ले जाकर आमजन तक पहुँचा सकता है। और ये जो लगातार जिस तरह से सरकार कैंपेन के रूप में आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री लगातार, कल भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग हुई, उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नई तुरंत बड़ी घोषणा कर दी कि अब किसी भी जो चाहे घरेलू हो चाहे कृषि हो, किसी को जो फ्यूल सरचार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। तो तमाम जिस तरह से कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, तो उसी के आधार पर आगामी दिनों में जो अन्य रणनीतियां हैं वो भी इस बैठक में, क्योंकि ये बैठक है और उसमें आगामी दिनों में भी जो पीएससी की बैठक होगी उसमें अगले चरण की वार्ता होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये मान के चलिए कि लगभग जो बैठक है उसका दौर लगभग 11:15 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी, जिसमें तमाम जो मंत्री, विधायक और इसके अलावा संगठन के जो लोग हैं, 35 लोग इस कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। और आगे की जो रणनीति है, किस तरह से सरकार को किस तरह से फिर से रिपीट किया जाए, उसमें मिशन 156 है उसको भी लेकर नई टास्क यहां पर कमेटी के जो सदस्य हैं उन्हें दी जा सकती है। जी जी योगेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि लगातार बैठक का दौर जारी है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस वॉर रूम के सामने से ही हमारे संवाददाता ने पूरी जानकारी दी है। योगेंद्र, जैसा कि बैठक में कांग्रेस चुनावों को लेकर तैयारियां कर रही है, ऐसे में क्या कुछ वो बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को इस बैठक में अहम स्थान मिल सकता है? देखिए, क्योंकि जो पीएससी की बैठक है और बैठक में अलग अलग पॉइंट्स तय किए जाएंगे कि सरकार और जो, क्योंकि ये मुद्दा जो है संगठन का है, संगठन किस तरह से आगामी दिनों में सरकार की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेगा। सरकार ने जो तमाम योजनाएं जो प्रदेश में, जिस तरह से 10 योजनाएं तो मोटे तौर पर सरकार ने फिलहाल जो राहत कैंप थे उनमें उनका रजिस्ट्रेशन करवाया, उन लोगों को लाभ मिल रहा है। उसके बाद बेरोजगारों और तमाम जो लोग हैं, अलग अलग जो बेनिफिशरी हैं, लाभार्थियों से उनसे उन्होंने जब खुद मुख्यमंत्री ने उनसे संवाद किया, कल भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, उनमें मुख्यमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार वो आमजन को जिस तरह से योजनाओं के माध्यम से उनका लाभ मिले उसके लिए वो प्रयास रहते हैं। और इन्हीं योजनाओं के आधार पर अब कांग्रेस राजस्थान में आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब जो चुनाव है दिसंबर में, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले का ये बड़ा मंथन है। आगामी दिनों में भी इस तरह के जो मंथन है वो चलेंगे, जो कमेटी है वो आगामी दिनों में भी, लेकिन इसमें आगामी दिनों में क्या केंद्र सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनाने की जरूरत है, जिस तरह से आरोप लगे कि केंद्र की जो मोदी सरकार है महंगाई के लिए राहत देने के लिए कुछ नहीं किया, इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर केंद्र पर निशाना भी साधा जाएगा और केंद्र को घेरने के लिए यहां से कई कैंपेन भी शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा किन किन नेताओं का राजस्थान में दौरा हो सकता है उनकी भी संभावना तलाशी जाएगी, और किस तरह से वापस एक चुनावी माहौल राजस्थान में कांग्रेस बना पाएगी, इसके लिए ये पूरा मंथन है। जो कि क्योंकि ये बैठक है और बैठक के बाद में फिर जो चाहे प्रभारी हैं, चाहे पीसीसी चीफ हैं, या जो ये मधुसूदन मिस्त्री हैं ऑब्जर्वर के तौर पर जो यहाँ पर आए हैं, सह प्रभारी हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, वो मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि इस बैठक में क्या रहा है और आगामी दिनों में कांग्रेस संगठन की क्या रणनीति रहने वाली है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए तो आप सभी को बता दें कि आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, अहम बैठक चल रही है इस वक्त कांग्रेस वॉर रूम में, जिसमें लगातार कांग्रेस जो है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीतियां बना रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें आगामी दिनों में कौन से कांग्रेस के बड़े नेताओं का राजस्थान में चुनावों को लेकर दौरे हो सकते हैं, इन सबकी तैयारियां इस बैठक में की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जा सकता है और क्या कुछ कैंपेन उसके लिए तैयार किए जा सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा इस बैठक में की जा रही है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ आज से होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें लोक कला और सामाजिक सुरक्षा उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में होगा, दोपहर 3 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। कलाकारों को इस दौरान प्रोत्साहन कार्ड और वाद्य यंत्र भी वितरित किए जाएंगे। लोक कलाकारों को हर साल 100 दिवस का काम मिलेगा। आरयू से जेके तक कलाकार रैली निकालेंगे।